नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे हमारी जो गन्ने की फसल है, ये पेढ़ी गन्ना हो या फिर किसान भाइयों हमारा पौधा गन्ना हो, दोनों ही गन्नों के अंदर यदि हम खाद डालते हैं तो हमें ज़्यादा फायदे देखने को मिलेंगे या फिर स्प्रे करते हैं तो स्प्रे के ज़्यादा फायदे देखने को मिलेंगे। इन दोनों के बारे में आज मैं संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। साथ ही साथ क्या खाद डालने से हमारी मिट्टी पर असर पड़ता है या फिर स्प्रे करने से हमारी मिट्टी पर असर पड़ता है, दोनों में से खर्चा किसका ज़्यादा आएगा, दूसरा ज़्यादा फायदे हमें कौन से देखने को मिलेंगे, खाद से या फिर स्प्रे से, और मिट्टी जो हमारी बंजर बन रही है क्या स्प्रे करने से मिट्टी बंजर बन रही है या फिर खाद डालने से मिट्टी बंजर बन रही है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और ये वीडियो सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। इस वीडियो को आप पूरा देखें, इसमें अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा किसान भाइयों बहुत कम खर्च में आप अपनी फसल की पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ अपनी मिट्टी को बंजर होने से कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि हम जो हैं बहुत ही ज़्यादा तीव्र मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, बहुत ही हैवी मात्रा में फंगीसाइडों का उपयोग कर रहे हैं, और ना जाने क्या क्या प्रयोग जो हैं हम अपनी मिट्टी के साथ अपनी फसलों के साथ कर रहे हैं, जिससे जो हमारी मिट्टी है, हमारी फसल है, उस पर बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो सब कुछ मैं बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं खाद के बारे में कि क्या हमें खादों को या कीटनाशकों को जड़ में डालना चाहिए या फिर इनका स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, एक लिमिट तक, एक हद तक यदि हम खादों का उपयोग मिट्टी में करते हैं, जड़ों के पास में करते हैं, फसलों के अंदर नीचे डालते हैं, तो वो बिल्कुल सही रहता है। उससे हमारी फसल की ग्रोथ भी अच्छे से होती है, वो जो खाद, जो तत्व, जो कीटनाशक हम डाल रहे हैं वो तुरंत ही हमारी फसलों की जड़ों में मिलने शुरू हो जाते हैं, और जब वो जड़ों को मिलते हैं तो तेज़ी के साथ कार्य करके हमारी फसल की ग्रोथ भी अच्छे से बढ़ पाती है, और उसके साथ साथ जिन कीटों का अटैक हमारी गन्ने की फसल के अंदर जड़ों के पास में हो रहा है उन कीटों को जो है ये कीटनाशक अच्छी तरीके से मार देते हैं, और हमारी फसल की जो पैदावार होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से होती रहती है। उसी तरीके से किसान में बात कर लेते हैं यदि हम खतरनाक कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए फ्यूराडान है, या फिर किसान भाइयों फ्यूराडान की तरह जैसे मैंने बात अभी बताया था मोनोक्रोटोफोस है, इसी तरीके से 3 से 4 लेके और भी खतरनाक कीटनाशक है, यदि इन कीटनाशकों का उपयोग हम जड़ के पास में करते हैं, या फिर फटेरा है, वर्टेको है, कोराजन है, ये सभी काफ़ी तीव्र, काफ़ी तेज और काफ़ी हैवी कीटनाशक किसान भाइयों में, इनका उपयोग यदि हम मिट्टी में करते हैं, मिट्टी में हम इन्हें डालते हैं, तो किसान भाइयों हमारी फसलों को तो ये बचाता है, लेकिन फसलों को बचाने के साथ साथ हमारी मिट्टी पर इसके बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, हमारी मिट्टी भी कहीं ना कहीं बंजर होती चली जा रही है। आप मान लीजिए इस वर्ष आपने यदि फटेरे का, वटेको का उपयोग 4 किलोग्राम के आसपास किया, तो अगले साल जो है 4 किलोग्राम काम नहीं करता है, मात्रा हमें बढ़ानी पड़ती है, चाहे तो 5 किलोग्राम करनी पड़े या फिर 6 किलोग्राम करनी पड़े, तभी जाकर के ये कीटनाशक, ये खाद हमारी मिट्टी में काम करते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो मिट्टी है वो बिल्कुल बेकार होती चली जा रही है और केमिकल की तरफ हम चल रहे हैं, जिससे कि हमारी फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। बात करते हैं स्प्रे के बारे में। यदि किसान भाइयों आप स्प्रे अपनी फसलों के अंदर करते हैं तो स्प्रे के आपको ज़्यादा अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे जमीन में खाद डालने के मुकाबले, कीटनाशक जमीन में डालने के मुकाबले। ऐसा क्यों है? क्योंकि मान लीजिए आप जो स्प्रे करेंगे वो स्प्रे आपने गन्ने के पत्तों पर किया, गन्ने की फसल पे किया, तो उतनी तीव्रता के साथ जो वो कीटनाशक आप डाल रहे हैं, जो ग्रोथ प्रमोटर आप डाल रहे हैं, या जो खाद आप स्प्रे के रूप में उपयोग में ले रहे हैं, वो हमारे पत्तों पर तो रहेगा, हमारी फसल पर तो रहेगा, लेकिन किसान भाई वो ज़्यादातर जड़ों के पास में नहीं पहुंच पाता है, जड़ तक पहुंचने में मुश्किल से जड़ तक जो पहुंचता है वो 10 से 15% या 20% तक ही हमारी जड़ तक पहुंच पाता है, जबकि हम यदि नीचे डालते हैं तो सबसे ज़्यादा असर जो है उसका मिट्टी में पड़ता है, फसल पर पड़ता है, और हमारी मिट्टी जो है फिर उससे बेकार होनी शुरू हो जाती है। तो आपको कोशिश हमेशा यह करनी है कि आप खाद नीचे ना डाल करके उसका स्प्रे कीजिए, उन कीटनाशकों को आप स्प्रे कीजिए। यदि आप स्प्रे करेंगे तो स्प्रे किसान भाइयों सस्ते पड़ते हैं नीचे कीटनाशक डालने के मुकाबले। मान लीजिए आप यदि
फिप्रोनिल का उपयोग कर रहे हैं या इमिडाक्लोप्रिड का उपयोग कर रहे हैं, तो नीचे जहां इसकी मात्रा आपको एक लीटर के आसपास चाहिए, वहीं किसान भाइयों यदि आप फसल के ऊपर स्प्रे करेंगे, पत्तों के ऊपर स्प्रे करेंगे, तो इसकी डोज आपको जस्ट आधी चाहिए होती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि नीचे खाद या नीचे कीटनाशक डालने के मुकाबले यदि आप स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, जितने भी हैवी कीटनाशक हैं इनका उपयोग आपको कम करना चाहिए, और यदि इनका आप उपयोग कर भी रहे हैं तो स्प्रे के रूप में ही उपयोग करें, क्योंकि नीचे डालेंगे तो जमीन पर बहुत ज़्यादा विपरीत असर किसान भाइयों देखने को आपको मिल जाएगा। तो इन बारीक बारीक बातों का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यदि फसल के अंदर से कीटों का अटैक बिल्कुल भी नहीं हट रहा है तो कीटनाशक थोड़े कम डाल करके आप अपने खेत के अंदर पानी ज़्यादा चलाइए, यानी खेत के अंदर नमी मत टूटने दीजिए। यदि टॉप बोरर की समस्या भी गन्ने के अंदर बनी हुई है तो आप आजमा करके देखिए, ये मैं एक ऐसा नहीं है कि 100% कारगर फार्मूला है, लेकिन आप आजमा करके देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रेट इसके भी देखने को मिल जाएंगे। यदि मान लीजिए एक महीने के अंदर आप 2 या 3 पानी अपने गन्ने की फसल को देते हैं और टॉप बोरर लगातार बना हुआ है, तो आप 4 पानी एक महीने के अंदर दीजिए, खेत के अंदर थोड़ा सा पानी आप रोक करके रखिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो टॉप बोरर की जो समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी वो किसान भाइयों काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये मैं एक आपको आजमाया हुआ घर का अपना एक ऐसा फार्मूला बता रहा हूँ जो वाकई में काफ़ी ज़्यादा हद तक काम करता है। तो इस तरीके से आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आप खाद नीचे न डाल के, कीटनाशक नीचे न डाल के यदि स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ, जैसे कि आपका NPK है, DAP है, सागरिका है या जिंक सल्फेट है, इस तरह के यदि आपके खाद हैं जो हमारी मिट्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त हैं, मिट्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, इन खादों को आप नीचे डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी मिट्टी को ताकत देते हैं, जैसे पोटास है, ये हमारी मिट्टी को ताकत देती है। तो जो जो तत्व, जो जो खाद हमारी मिट्टी को ताकत देते हैं, हमारी फसलों को ताकत देते हैं, उन्हें किसान भाइयों आप नीचे डालिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितने कीटनाशक हैं या कुछ ऐसे खाद हैं जिनका उपयोग करके हमारी मिट्टी को असर यदि पहुँचता है तो कोशिश करें कि उन्हें नीचे ना डाल के उनका आप स्प्रे कीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने कोशिश की है आपको सारी बात समझाने की। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने भाई की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।